तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करने जा रहे हैं डेटा वैलिडेशन के बारे में कि डेटा वैलिडेशन क्या होता है। उसके बारे में हमने उसकी बेसिक क्लास आपको इससे पहले वाली क्लासेस में लिया था, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, तो एक बार बताता हूँ कि पहली क्लासेस में हमने क्या किया था। हमने डेटा वैलिडेशन बताया था कि कैसे आप यहाँ से होल नंबर, डेसिमल, लीस्ट, डेट, टाइम और टेक्स्ट लेंथ को यूज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट लेंथ हमने क्लास को छोड़ा था, तो इसी से कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मेरे पास मोबाइल नंबर है और मैं चाहता हूं कि कोई भी पर्सन 10 डिजिट से ज्यादा या कम लिख ना सके या टाइप ना कर सके। अच्छा निकिता जी, आप क्या आपने वेब वर्जन या सेलफोन से ज्वाइन किया है, क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग की परमिशन नहीं आ रही है। लैपटॉप से किया सर ज्वाइन। वेब वर्जन तो नहीं किया है, वेबसाइट से डायरेक्ट। वेबसाइट से ही करती हूँ मैं डायरेक्टर हर बार। नहीं, इसमें नहीं आ रहा है, हालांकि मैं रिकॉर्ड कर लिया, मैं आपको देता हूँ। ठीक है सर। तो यहाँ पे हम डेटा वैलिडेशन में मान लीजिए कि हमने यहाँ पे गया और हमने टेक्स्ट लेंथ को सिलेक्ट किया और इक्वल टू 10 डिजिट कर दिया एंड ओके करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 10 डिजिट से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगा नंबर। अब इसमें बात यह आती है कि ये जो मैसेज दे रहा है, ये मैसेज सबको समझ में नहीं आएगा कि है क्या। तो इसके लिए क्या करें, तो अपना कस्टम मैसेज हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ इनपुट बॉक्स में सबसे पहले आइए, तो ये आपको जैसे कि आप मान लीजिए कि ये लगाते हैं इंसर्ट कमेंट करते हैं न्यू कमेंट, और इसमें कमेंट में लिख दिया कि प्लीज एंटर मोबाइल नंबर आपने कर दिया। अब ये कमेंट कब दिखेगा, जब माउस का पॉइंटर जाएगा। आप कर्सर को लेके जाएंगे तो आपका कमेंट नहीं दिखेगा। मैं चाहता हूं कि कर्सर जाते ही कमेंट दिख जाए, तो उस केस के लिए डेटा वैलिडेशन में आपको यहां पे टाइटल दे दीजिए मोबाइल नंबर, मैसेज दीजिए कि प्लीज एंटर ओनली मोबाइल नंबर, ओनली मोबाइल नंबर। ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जैसे इस पे कर्सर जाएगा ये मैसेज शो हो जाएगा। इसके बाद भी वो गलत टाइप करता है तो आप डेटा वैलिडेशन में एरर अलर्ट में आप अपना यहां पे लिख दीजिए कि रॉन्ग मोबाइल नंबर, और यहां पे लिखिए प्लीज री चेक एंटर्ड मोबाइल एंड ओके। अब क्या होगा कि जैसे मैं यहां पे टाइप करूंगा तो इस तरह का कस्टम मैसेज देगा। इसके भी तीन पार्ट है। तीन पार्ट में पहला पार्ट स्टॉप का है, मतलब किसी भी कंडीशन में वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरा आता है वार्निंग का। वार्निंग मतलब कि वो वार्निंग करेगा, यस एंड नो करके पूछेगा, कर दिया तो इनकी एक्सेप्ट कर लेगा। तीसरा आता है इंफॉर्मेशन, जस्ट आपका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और ओके कर दी इनकी एक्सेप्ट कर लेगा। तो तीन प्रायोरिटी है, एक होता है कि नहीं आपको डालना ही है, डालना है कंपल्सरी है, दूसरा है कि ऑप्शनल है, तीसरा है आपने गलत टाइप किया है मैं आपको बता रहा हूं जस्ट। तो तीन तरह की आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं, और सिर्फ मोबाइल नंबर में नहीं या फिर टेक्स्ट लेंथ में नहीं, किसी भी किसी चीज में कर सकते हैं। अब इसमें चौथा कस्टम यहाँ पे आपने देखा होगा, चलिए कस्टम के बारे में जानते हैं। एक एग्जाम्पल समझ में आ गया आप लोगों को। निकिता जी, यूसुफ जी, कोई डाउट? नवीन जी? नो सर।
आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला ऑप्शन आता है कि मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखूंगा। हेलो ओके सॉरी सर, तो यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, तो अकाउंट नंबर में मैं चाहता हूं कि यहाँ पे कोई भी पर्सन टैक्स एंट्री नहीं कर सके, बस मैं इतना चाहता हूं कि कोई भी इसमें टैक्स एंट्री ना कर सके, ठीक है। तो क्या करें इसके लिए, तो इसके लिए यहां हम कस्टम फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, तो अब आप लोग बताइए कि कौन सा फॉर्मूला है जो बताता है कि सेल में टेक्स्ट है या नंबर है, टेक्स्ट है या नहीं है, सॉरी नंबर छोड़िए, टी फॉर्मूला सर, टी फॉर्मूला नहीं बताता है, ब्लैंक दे देता है। यूसुफ जी क्या सर आप लोग भूल गए ना, इज टेक्स्ट फॉर्मूला बताता है कि टेक्स्ट है, इज नॉन टेक्स्ट या इज नंबर, इज के फॉर्मूले, इज नंबर बताता है कि इसमें नंबर है या फॉर्मूला है, नंबर है या टेक्स्ट है। तो इसमें क्या होता है कि ट्रू पे वर्क करता है, तो हमें यहां पे फॉर्मूला देना होगा इज नंबर का। जी हाँ, ये फॉर्मूला जो दिख रहा आपको इज नंबर का, ये इज नंबर का फॉर्मूला हमें देना पड़ेगा। तो इज नंबर का फॉर्मूला कहां देंगे, एक सिंगल सेल को सिलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन में कस्टम पे जाएंगे और यहां पे उस फॉर्मूले को पेस्ट करेंगे और क्या देंगे रेफरेंस, तो J2। लेकिन सेल सिलेक्ट होना चाहिए सिंगल, ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि जब हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो बाकी में J2 J3 J4 होना चाहिए ना। समझे, इसको ओके कर देता हूं, फिर कॉपी करता हूं और नीचे तक मैं राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और याद होगा यहां पे वैलिडेशन था, इस वैलिडेशन का यूज करेंगे। ओके कर दीजिए।
अब देखिए क्या होगा, अब मैं यहाँ पे वन लिखता हूँ, मेरी एंट्री एक्सेप्ट हो रही है, टू लिखता हूँ एक्सेप्ट हो रही है, नहीं हो रही ना? हेलो शुभ जी, जी सर, मंगाया जी जी। अच्छा एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लोग इसका यूज करते थे अपने और एक कंपनी में, कंपनी में क्या होता है कि फील्ड के बहुत सारे फील्ड के ये थे, फील्ड के स्टाफ थे, तो उनको क्या होता था कि हमें एडवांस देना होता, तो हमें एक लिमिट दी गई थी एडवांस की, किस लिमिट से ज्यादा ना हो, तो होता क्या था कि वो बाहर रिसेप्शन से फॉर्म लेते थे, फॉर्म फिल कर देते थे, डॉक्यूमेंट दे देते थे, रिसेप्शन की अपने डेटाबेस में एंट्री करती थी, फिर ले जाके आपको एचआर टीम एडमिन टीम को देती थी, एडमिन टीम उसको प्रोसेस करके अकाउंट टीम को जाता था। अब अकाउंट टीम चेक करती थी कि ये इसके इसमें अभी तक कितना टोटल लिया हुआ है एडवांस, क्योंकि अकाउंट के पास डेटा होता था ना। तो हुआ क्या कि इतना सारा प्रोसेस तो फालतू में चला जाता था, तो हमने रिसेप्शन को बोला कि आपको यहाँ पे एम्प्लॉय कोड और यहाँ पे अमाउंट डालना है, अगर एंट्री एक्सेप्ट लेकर लेता है तो फॉर्म दीजिए, एंट्री एक्सेप्ट नहीं करता है तो फॉर्म मत दीजिए। तो क्वेश्चन ये है कि मैंने वहां पे वन लिखा, इसके सामने मैंने 5000 दिया, फिर मैं नीचे कहीं भी वन लिखूं, अगर मैंने 6000 दिया तो एंट्री एक्सेप्ट ही ना, राइट? तो कैसे करेंगे इसको, तो इसको करने के लिए हमें यहां पे लगाना होगा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर इसमें? काउंट इफ का नहीं, सब काउंट है तो काउंट देगा ना, सम इफ लगेगा यहाँ पे, सम इफ, सम इफ हम देंगे कि सम रेंज, मैं सॉरी माफ कीजिए गलत हो गया, यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज इज लेस देन इक्वल टू 10,000। यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे लेस देन 10,000 कीजिए, और यहाँ पे सेम फॉर्मूला यहाँ भी पेस्ट होगा कस्टम में, बट यहाँ पे छोटी सी चेंज होगा, लेस देन इक्वल टू रहेगा, एंड इसको हमने कॉपी किया और नीचे तक राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और वैलिडेशन को सिलेक्ट कर, क्या होगा कि मैं यहाँ पे वन लिखूंगा, एंट्री एक्सेप्ट कर लिया 5000, एंट्री एक्सेप्ट है, वन लिखा अगेन 5000, एंट्री एक्सेप्ट है, अब मैं वन लिखूंगा एंट्री एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्यों? अब यहाँ पे हमने इसलिए दिया था लेस देन, ताकि 10,000 पूरे हो तो एंट्री लेस देन इक्वल टू कर देता तो एंट्री एक्सेप्ट कर लेता ना, ठीक है? मान लीजिए कि मैं यहां पे कर देता हूं 4000 और कहीं भी 1 दिया, 1 लिखा, एंट्री एक्सेप्ट कर लिया, अब मैं यहां पे 1500 दूंगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि 10,000 से ऊपर है। अब मैं यहां पे अगर 1000 देता हूं तो एंट्री एक्सेप्ट कर लेगा, इसीलिए मैंने यहां पे दिया था लेस देन इक्वल टू, ताकि 10,000 तक ले ले, वरना क्या होगा 9,999 से ही लेता, ज्यादा नहीं लेता। तो इस तरह का फॉर्मूला आप डेटा वैलिडेशन में इंसर्ट कर सकते हैं, समझ गए? क्लियर है सर? जी सर। अब यहां पे एक चीज और है, किसी ने मुझसे पूछा था कि यहां पे दिल्ली है और मुंबई है,
यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मैंने अगर यहाँ पे y लिख दिया तो यहाँ y नहीं टाइप होना चाहिए, अगर मैंने यहाँ y लिखा तो यहाँ पे y टाइप नहीं होना चाहिए, मतलब कि मैं दोनों सेल में से किसी एक सेल में एंट्री कर सकता हूं, बात समझे? तो कैसे होगा? कस्टम फॉर्मूला यहां लगाएंगे, यहां पे कस्टम, कस्टम में यहां हम देंगे फॉर्मूला एंड का, हमने बोला कि a इक्वल टू y होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू y होना चाहिए, इनवर्टेड कॉमा, आप समझे? और इसको कॉपी कर लेता हूं और ओके, और फिर यहां पे आता हूं डेटा वैलिडेशन, और इसमें मैं इसी चीज को रखता हूं लेकिन इसमें कंडीशन में उलट देता हूं, मैं इसको कर देता हूं नॉट इक्वल टू y और इसको कर देता हूं इक्वल टू y, सर, और फिर इसको कॉपी किया और नीचे तक पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में मैंने वैलिडेशन को सिलेक्ट करके ओके कर दिया। अब मैं यहां पे y लिख रहा हूं एक्सेप्ट कर रहा, मैं यहां y लिखूंगा एक्सेप्ट नहीं करेगा, समझे? अगर मैंने यहां y लिख दिया, अब मैं यहां y लिखता हूं एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्लियर है? तो अगर आपको इस तरह के दो कॉलम में से किसी एक कॉलम में एंट्री करवानी हो तो ऐसे फीचर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, राइट सर? किसी को डाउट इस पे? अगर सर यहाँ एक से ज्यादा हो तो फिर क्या? तो कंडीशन उड़ा दीजिए, तीन में से कोई एक करना है आपको, तो एक में नॉट इक्वल टू वाई होगा, कि मान लीजिए कि यहाँ पे पुणे आ गया, अब आपको ये करना है कि पुणे तीनों में से किसी एक में होना चाहिए, ये बोलना जरा आप सर। जी सर, ये पूछ रहे ना? जी जी सर, तो यहाँ पे कंडीशन ऐड कर दीजिए कि पुणे भी नॉट इक्वल टू वाई होना चाहिए, ठीक है? मतलब कि जिस सर है वो ही इक्वल टू वाई, बाकी सारे नॉट इक्वल टू वाई होने चाहिए, फंडा क्लियर? और तीनों में इंडिविजुअली वन बाय वन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। अब चलिए अब एक और चीजों पे डिस्कस करते हैं और फिर मैं आपको जो है बताऊंगा इसका तरीका। अब आपको एक होमवर्क दूंगा, मेरे पास दो सिटी है, एक दिल्ली है और दूसरा मान लीजिए कि हमारा नोएडा है। अब दिल्ली के कुछ एरिया है जैसे कि साउथ, नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ गोवा आ गया, सेंट्रल, और यहां पे हम एनसीआर कर देते हैं, ओके। और नोएडा के भी एरिया है जो कि सेक्टर्स में है। अब मैं इसको नीचे तक ड्रैग करता हूं, अब यहां पे आता है सेक्टर, यहां पे सॉरी यहां पे सिटी, और यहां पे आता है एरिया। तो सिटी में मैंने तो सिंपल डेटा वैल्यूएशन लगा दिया लिस्ट में, अब मैं चाहता हूं कि एरिया इसके ऊपर डिपेंडेंट हो। मैं यहां पे दिल्ली करूं तो यहां पे दिल्ली के सारा फीचर आने चाहिए, अगर मैं यहां नोएडा करूं तो नोएडा का फीचर आना चाहिए। क्या करना है समझ में आ गया आपको? अब कैसे करें इसको? तो इसके लिए हम डेटा वैलिडेशन का यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अतिक्रम करना होगा। हमें इसको सिलेक्ट करके फॉर्मूला में जाके डिफाइन नेम करना होगा, और नेम बिल्कुल वही होना चाहिए जो यहां है और विदाउट स्पेस, और इसको सिलेक्ट करके हमने डिफाइन नेम में नोएडा कर दिया, राइट? और यहां पे हम लिस्ट बॉक्स में जाते हैं, क्या करेंगे सर? लिस्ट बॉक्स में जाके नेम को डायरेक्ट कॉल कैसे करें?
क्योंकि मुझे इसके अकॉर्डिंग करना है, ये तो टेक्स्ट है, याद होगा पहली क्लास पिक्चर लुकअप, इसमें हमने इनडायरेक्ट का फॉर्मूला यूज किया था, यहां भी इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर हम नोएडा को लेंगे, क्योंकि नोएडा एक टेक्स्ट है ना, इनडायरेक्ट ही बताएगा ना कि हाँ टेक्स्ट नहीं ये नंबर है, ये रेफरेंस है क्या। अब देखिए नोएडा सेक्टर आ गया, और जैसे मैं यहां पे दिल्ली सेलेक्ट करूंगा, यहां दिल्ली के ही आ जाएंगे, हो गया ना सर। कोई डाउट है इसमें आप लोगों का? यूसुफ जी जी कोई डाउट? नो, बढ़िया है। निकिता जी कोई डाउट आपको? सर इसमें फॉर्मूला भी यूज करते हैं ना? नहीं इसकी जरूरत नहीं। अब इसमें दिक्कत क्या होगा कि मेरे पास दो ही सिटी था, इसे दो लिस्ट बना दिया, लेकिन मेरे पास सिटी काफी ज्यादा है। अभी आप लोगों का होमवर्क है जो कभी करना है, आपको यहाँ पे सिटी बहुत ज्यादा है और रिपीटेड भी इस तरह का डेटा है आपका, और यहां पे आपके एरिया है, सेक्टर्स इस तरह के कुछ नंबर्स है, मान नंबर दे दिया आपको। अब उस केस में उतने सारे नेम डिफाइन करना तो पॉसिबल नहीं है ना, क्या बोल रहे हैं? नाम हो सकता है 10 हो, 15 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, 200 हो, किसी में 5 हो, किसी में 10 हो, किसी में 15 हो। अगर फिल्टर आप लगाते हैं इसको, देखेंगे फिल्टर में, जैसे हमने यहाँ पे अगर अमर को सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ अमर के अंदर कितने सेक्टर्स हैं आपके सामने दिख गए सेक्टर्स, ऐसी में अमर की जगह पे मैं यहाँ पे देव को सिलेक्ट कर लिया तो देव का यहाँ आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे नाम है ना, इतने नेम डिफाइन करना तो पॉसिबल नहीं है ना, भाई बढ़ते भी रहते हैं। अब इसका कोई सलूशन आपको ढूंढना है, क्या निकलना है आपको, बोलिए क्या आपको चाहिए, क्या क्या बोलना है आपको चाहिए, मतलब ये दो डेटा में से आपसे तो आप से आई थिंक नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है नवीन जी, बैंकर जी, समझ में आया? हमने जो यहाँ डिपेंडेंट लिस्ट बॉक्स बनाया है ना, हेलो जी, तो डिपेंडेंट लिस्ट बॉक्स जो हमने बनाया है ये फीचर होना चाहिए कि मेरे पास जो डेटा है मात्र दो सिटी और हमने से अलग लिस्ट लिया हुआ, इसे हमने डिफाइन नेम दे लिया, बट मेरे पास डेटा तो अब इस तरह से, अब मुझे इस पे सेम आपको फीचर अप्लाई करना है सिटी और एरिया। तो क्या सुजीत जी इसमें पिवट यूज कर सकते हैं क्या, पिवट से निकाला जा सकता है? नहीं, अच्छा अच्छा डिपेंडेंट चाहिए ना हमें, जब ये चेंज हो, जब ये चेंज हो यहाँ भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाए ना। अच्छा अच्छा ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क रहा, आप लोग बना के मुझे कल भेजिए। ओके ये शीट क्या आप हम लोग को भेजेंगे?